नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ हांडी मलाई चाप। ये बहुत टेस्टी चाप बनती है। रेस्टोरेंट में आप जो चाप खाते हैं उससे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। इसको आप बनाइए और सबको खिलाइए, ये बहुत आपको पसंद आएगी ये चाप। इसको आप तंदूरी रोटी, बटर नान, लच्छा पराठा या प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम ये हांडी मलाई चाप बनाना शुरू करते हैं। हांडी मलाई चाप बनाने के लिए यहाँ पे हमने चापे लिए हैं, इनको हमने शैलो फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चापे बनती है। और हमने यहाँ पे SDS का सोया चाप मसाला लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी चापे बनती है। अगर आपको ये चाप मसाला ना मिले SDS का, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम चापे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने मिट्टी की हांडी ली है, इसमें हम चापे बनाएंगे। अगर आपको मिट्टी की हांडी ना मिले, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है, ये ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम प्याज की पेस्ट डालेंगे। हमने 2 अनियन यूज़ किए हैं, इसमें आधा कप पानी डाल के इसको पीस लिया था, ये हम डाल देते हैं। और फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। इसको ड्राई होने तक हमने कुक करना है, प्याज का पूरा पानी सूख जाए तब तक हम कुक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट मिलाएंगे, फ्रेश टमाटर की हमने पेस्ट बनाई है, 3 टमाटर की, वो हम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसमें ग्रीन चिली मिलाएंगे, हमने स्लिट की हुई है, ये डाल देते हैं। और अदरक लहसुन की हमने पेस्ट बनाई है, इसको हमने कूट लिया था, वो हम डाल रहे हैं। मिक्स करते हैं इसको। बहुत टेस्टी ये मलाई चाप बनती है, इसको आप जरूर बनाएं और सबको खिलाएं। वैसे ही आज संडे है, इसको आप बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी ये मलाई चाप। ये डालने के बाद इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे और साथ ही इसमें जीरा मिलाएंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। और इसमें हम SDS का सोया चाप मसाला मिलाएंगे। ये 2 पैकेट होते हैं, एक ही जो हमने पैकेट दिखाया था उसमें 2 पैकेट इस तरह के होते हैं, एक ही आपने यूज करना है, ये हम डाल देंगे। और यहाँ पे हमने टमाटो प्योरे ली है 1/2 कप, ये डाल देंगे। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, कलर आप देखिए कितना अच्छा आ रहा है मसालों का। ये सब मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे कवर करके। ये 10 मिनट हो गए हैं ऐसे कवर करके कुक करते हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी आप देख सकते हैं मसाले का कितना अच्छा लग रहा है, ये आप देखिए मसाला एकदम कुक हो गया है। अब हम इसमें जो हमने चांपे शैलो फ्राई की थी वो डाल देंगे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो ये डिश आप बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। वो
बहुत टेस्टी ये चाप बनती है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम बना रहे हैं आपके लिए। मिक्स कर देते हैं अच्छे से इसको, आप तंदूरी रोटी, नान या लच्छा परांठा के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये अच्छे से मिक्स हो गई है चांपे, अब हम इसको 2 मिनट और ऐसे ही कुक करेंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं चांपों को भी कुक होते हुए, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे, इसको हमने फेंट लिया था, स्मूथ कर लिया एकदम, ये हम डाल देते हैं। 1 कप हम दही यूज कर रहे हैं, जो दही आप डाल रहे हैं एकदम फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी ना हो। साथ ही इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे, ये भी 1 कप डालेंगे हम। रेस्टोरेंट में आप खाते होंगे चांप, लेकिन इस तरह से आप घर में बनाएंगे आप रेस्टोरेंट की चांप भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी ये चांप बनती है। मिक्स कर देंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। ये 5 मिनट हो गए हैं कवर करके कुक करते हुए, अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है ये चांप, ये आप देखिए चांप इस टाइम बनके एकदम तैयार हो गई है। बस इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया डालते हैं। मिक्स कर देते हैं, तरह से आप चांप बनाएंगे, जितनी भी आपने चांपे खाई होंगी वो सब भूल जाएंगे आप, बहुत टेस्टी ये चांप बनती है। ये धनिया अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लेम हम ऑफ करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये आप देखिए हांडी मलाई चांप बनके एकदम तैयार हो गई है, ये बहुत टेस्टी चांप बनती है, देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं। इसको आप बनाइए, सबको खिलाइए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। इसको आप तंदूरी रोटी, लच्छा परांठा, बटर नान या प्लेन राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप बनाइए और खाइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।